अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हमारी सेफ्टी टॉक का मौजू है व्हाट आर टाइप्स ऑफ फायर। आग की कितनी इकसाम है? हम पांच किस्म की आग की इकसाम को बारी बारी पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज और इसको बुझाने के लिए किस किस्म का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होता है उसको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्लास ए जो है सॉलिड मटीरियल्स की आग के ऊपर जो लगे आप उसको क्लास ए में कैटेगराइज करते हैं, जैसा कि वुड, पेपर, क्लॉथ, रबर, ट्रैश और प्लास्टिक। तो इसको बुझाने के लिए जिस किस्म का फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है उसको हम ड्राई केमिकल पाउडर डीसीपी या एबीसी टाइप ड्राई केमिकल कहते हैं। इसके अलावा वाटर, फोम एंड इलेक्ट्रॉन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एबीसी जो है ये मल्टीपर्पज के लिए यूज होता है। अब क्लास बी के अंदर जो आग है वो पानी या लिक्विड की आग होती है, जो कि आमतौर पे सॉल्वेंट्स, ऑयल, गैसोलीन, पेंट्स और अदर ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स पे लगती है। इसके लिए भी आप डीसीपी यूज कर सकते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, हैलोट्रॉन या फोम टाइप। फोम टाइप से मुराद AFFF, एक्वस फिल्म, फोम फॉर्मिंग फिल्म, वो आप यूज करेंगे। क्लास सी की आग जो है ये आमतौर पर वायरिंग, कंट्रोल्स, मोटर्स, मशीनरी और अप्लायंसेस, एनर्जाइज्ड मटेरियल्स पे लगती है, जैसा कि एबीसी ड्राई केमिकल पाउडर्स के लिए यूज हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो सकता है एंड हैलोट्रेन हो सकता है और पर्पल के। क्लास डी फायर्स इन्वॉल्व कम्बस्टेबल मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, लिथियम एंड टाइटेनियम, और इसके लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज होगा वो ड्राई पाउडर। अब लास्ट आगे के क्लास के फायर्स इन्वॉल्विंग कंबस्टेबल कुकिंग मीडिया सच एज ऑयल्स एंड ग्रीसेस कॉमनली फाउंड इन कमर्शियल किचन्स। वेट केमिकल, इसके ऊपर जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज होगा उसको वेट केमिकल की कैटेगरी में आएगा।